राधे राधे सबको, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज मैंने पिछले 1 घंटे से लगी हूँ और काफ़ी सारा काम किया है। यहाँ का जो सारा मेस था उस सारा कुछ मैंने क्लीन कर दिया है, और अंदर भी इसमें भी कुछ सेटिंग बनाई है, इस अलमीरा में भी कुछ सेटिंग बनाई है। और ये हमारे लड्डू गोपाल जी सो रहे हैं, देखिए इन्होंने रात में सुला दिए थे क्योंकि मम्मी चली गई हैं। मम्मी और नन्नू एक्चुअली दोनों लोग शादी में गए हैं, तो लड्डू गोपाल जी हमारे फिर से यहाँ पर आ गए हैं, तो वही सो रहे हैं। और मैं कर रही हूँ तब से काम, इनको भेज करके ऑफ़िस, या ऑफ़िस चले गए हैं तो मैंने सोचा चलो काम निपटाती हूँ। तो अब 1 घंटा हो चुका करते करते, मैंने कहा चलो यहीं से ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो आज फाइनली मैं अपने जो बेड है उसकी बेडशीट चेंज कर दूँगी, सारे पिलो कवर सोच रही हूँ चेंज कर दूँ। और इस वाले पे तो पिलो कवर है ही नहीं एक्चुअली, ये देखिए इस पर कोई पिलो कवर नहीं है। इतना करने से पहले मैं सोची हूँ यहाँ पर और थोड़ा सा सेटअप कर दूँ। इनका देखिए फ़ोन टूट गया, बाइक पर ऐसे बात कर रहे थे, करते करते इनका स्लिप हो गया तो ये गिर पड़ा। यहाँ से एक जो टेबल थी ना वो हट गई है, उसके नीचे से इतना कूड़ा निकला, देखिए सफाई कितना भी करो हो नहीं पाती उस तरीके से। तो वो टेबल हट गई तो इतनी जगह मुझे मिल गई है। और ये वाला गीज़र मैंने यहाँ पर रख दिया क्योंकि भैया आए थे, प्लम्बर भैया, बट इसकी पीछे की जो पत्ती नहीं लगती है वो खो गई है, तो मुझे बड़ी टेंशन हो रही है, ढूंढ रही हूँ, मिली नहीं रही, पता नहीं कहाँ चली गई। हालांकि सारी चीज़ें संभाल के रखती हूँ, ये देखिए टीवी का स्टैंड मैंने कितना संभाल के रखा है, मिल गया, दो और स्टैंड मिल गए, बट जो गीज़र का स्टैंड है, पत्ती जो बोलते हैं, वो नहीं मिल रही, जिसकी वजह से मेरा गीज़र अभी तक नहीं लग पाया और ये जगह घेरे हुए है। हाँ जी, हाँ, तो ये आरओ वाला डिब्बा भी, उसको ऐसे टेम्परेरी बेड साइड टेबल मैंने बना दिया है क्योंकि ये डिब्बे में बहुत सारा सामान है। जो यहाँ पर मेस था ना थोड़ा सा, जो मुझे बाहर रखना था वो खाली हो जाएगा, तो देखते हैं इसको हटा देंगे, अदरवाइज़ इसको मैं सोच रही हूँ इसका कोई DIY कर लूँ, इसका कुछ भी स्टोरेज बॉक्स बन जाएगा या लॉन्ड्री बैग टाइप का बन जाएगा। मैं इसका देखती हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है। और मम्मी और नन्नू नहीं तो अच्छा नहीं लग रहा है, उनकी मुझे बहुत बहुत ज़्यादा याद आ रही है, इतना ज़्यादा एक्साइटेड होके गई तो फिर रोकने की भी इच्छा नहीं हुई, तो बहुत बहुत ज़्यादा खुश थी वो। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, चल ही जाओ तुम, और अभी हालत इग्नोर करना, काम कर करके ऐसी हो रही है। बहुत बहुत ज़्यादा खुश थी वो, एक बार मना किया तो उसका एकदम चेहरा उतरसा गया, तो मैंने कहा नहीं चलो जाने देते हैं, तो मम्मी के साथ भी आ जाएगी, 2 दिनों में आ जाएगी। चलिए फटाफट जो रह गया है काम वो भी निपटाते हैं, फिर लड्डू गोपाल जी को भी उठाना है, सो रहे हैं वो, फिर मिलते हैं आपसे। आँख खुले जब से काम काम काम, बस काम काम काम, अभी बारीक वाले काम बहुत रह गए हैं, ये सेटिंग वो सेटिंग, ये ऑर्गेनाइज करना, वो डीप क्लीन करना, ये करना वो करना, बट धीरे धीरे सब होता रहेगा। चलिए, कमरे का मैस हट गया, मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है मैं बता नहीं सकती, एकदम खुला खुला सा लग रहा है, क्योंकि पता है कम स्पेस में काम करने में बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, कम स्पेस रहता है तो आपको चीज़ें बहुत मुश्किल होती मैनेज करने में, इधर का उधर रखो, इधर रख दो तो उधर भरा भरा सा लगने लगता है, इधर रखो तो इधर भरा भरा सा लगने लगता है, रखे तो रखे कहाँ, और सेटिंग में भी थोड़ा दिक्कत होती है, तो अभी फ़िलहाल मैंने ऐसे कर दिया है। कभी कभी बिना मन से ली हुई चीज़ें भी बहुत ज़्यादा काम दे जाती हैं, उम्मीद से ज़्यादा एक्चुअली, सोचा भी नहीं होता उतना, तो उन्हीं में से है ये एक चीज़, इसको क्या बोलते हैं आई डोंट नो, आई थिंक डस्ट कलेक्टर ही बोलेंगे जहाँ तक, क्योंकि ये धूल मिट्टी को कलेक्ट करता है, तो मैंने इसका नाम डस्ट कलेक्टर ही रख दिया है। तो इस तरीके का है, और ये मैंने लिया था लोकल एरिया के मेले से, हमारे यहाँ पर मेला लगा हुआ था 1 महीने के लिए, कोई महोत्सव करके था, शिल्पी महोत्सव करके, तो वहाँ पर ऐसे चली जाती थी डेली टाइम पास के लिए मैं ये और नन्नू, और ये रखा हुआ था काफ़ी दिन से, इसका यूज़ नहीं हुआ था, बट जैसे ही इसको यूज़ करना शुरू किया ना, मुझे लगा जो भैया डेमो दे रहे थे वो थोड़ा सा ऐसे ही दे रहे होंगे, एक काम करेगा भी कि नहीं, 100 रुपीज़ का लोकल मेले से लिया हुआ प्रोडक्ट इतना ज़्यादा यूज़फुल साबित हुआ कि मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। बस इस तरीके से मैट्रेस पे, सोफ़े पे, कहीं पर भी आप करिए, कारपेट पे, और इसमें जितनी भी डस्ट है, गंदगी, देखिए
कितनी ज़्यादा डस्ट ये कलेक्ट करता है और कितना अच्छा और कितना यूज़फुल साबित हुआ। अब मैं उस मेले का फिर से वेट कर रही हूँ कि कब वो मेला लगेगा या फिर मुझे ये प्रोडक्ट कहीं और दिखे, तो फिर मैं ले लूँगी 2-4 और इकट्ठे। पूरा मैट्रेस नीट एंड क्लीन है, ये वेलवेट का है ना, इस वजह से इसमें ऐसे निशान से बन जाते हैं, देखिए इस तरीके से निशान से बन जाते हैं, ज़रा सा भी टच करो तो। यहाँ पर मैंने गद्दे की जो पोजीशन है वो भी चेंज कर दी है, मैं हर मतलब 10 दिन में, मतलब हफ्ते भर में 10 दिन में चेंज करती रहती हूँ, इधर का उधर, उधर का इधर। तो पहले ये वाली लाइन आपको इधर दिख रही थी ना, अब मैंने इसको बड़ी मुश्किल से इस तरफ कर दिया है। और ये देखिए इतना बड़ा आ गया था हमारा गद्दा, इतना बड़ा ये गद्दा, बड़ी मुश्किल से इसके अंदर ये फिट करते हैं। 1 इंच जो है, मतलब जितना वाइट वाइट दिख रहा है ना, इतना ही बड़ा है, तो इसको मुश्किल होती है थोड़ी। ये मैं इनसे करवाऊंगी, मेरे अकेले के बस का तो है नहीं, मैं बस केवल इसमें जो है जा रही हूँ बेडशीट बिछाने। गद्दे की पोजीशन ठीक कर दो, तो गद्दे की जो पोजीशन है वो चेंज करने से अच्छा रहता है, एक ही तरफ मतलब पिचकता सा नहीं, जैसे हो जाता ना एक तरफ दब जाता है एक तरफ उठा उठा हो जाता है, तो चेंज करके लेटने से गद्दा एकदम बैलेंस्ड रहता है। इसमें ये एक दिन चाय गिर गई थी पहले, काफ़ी पहले, तो इस दाग को मुझे छुटाना है। और ये रहा मेरा पूरा बेड सेट हो गया, आज तो हालत ख़राब हो गई लिटरली। एक कहते हैं ना कि इंसानों वाला घर, केवल नॉर्मल बेसिक जो घर होता है कि लगे हाँ इंसान ही रह रहे हैं यहाँ पे, उतना ही करने में आज बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत लग गई। और ये मैंने बहुत करने कोशिश की, मेरे फिर हाथ में पेन स्टार्ट हो गया, अभी मुझे बहुत गुस्सा आएंगे। मैंने ना एक चीज़ कर ली थी तो ये कह रहे और करो, तुम ये बोल रहे थे मैं करता हूँ, तो मुझे जब मैं बोलते ना हाथ में दर्द हो रहा है, तो कह रहे और कर लो, पड़ोसियों के भी कराओ जाके, मैं मना कर रहा था मैं कर दूँगा, तब तो करने नहीं दिया जिद करके, तो बहुत गुस्सा आते। तो आज मैंने जब ये, मैं भूल गई कि मेरे हाथ में चोट है, और मैंने इसमें लगा दी ताकत जम के जितनी लगा पाई, और मेरा हाथ में पेन स्टार्ट हो गया फिर से, हल्की सी स्वेलिंग भी लग रही होगी आपको, देखिए ये देखिए बेड सेट हो गया। ड्रेसिंग टेबल का मैंने एक्स्ट्रा सामान हटा के डस्टिंग कर दी, अभी बाकी कुछ नहीं किया है। इधर रखा है मेरा ट्राईपॉड, और इधर दो मेरा रहना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, एकदम रिफ्लेक्शन आता रहता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पर सोच रही हूँ मैं यहाँ पर छोटा सा कुछ डेकोरेट करूँगी, तब मैंने कुछ सोचा यहाँ के लिए रखूँगी यहाँ पर, तो वो मिरर मिरर में भी रिफ्लेक्शन देगा, थकावट के बारे जवान साथ नहीं दे रही, मिरर में भी रिफ्लेक्शन देगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा। इस तरीके से पूरा साफ है, मैं फटाफट से ना, मुझे लड्डू गोपाल जी का लग रहा है, फटाफट इनको उठाऊँ, थोड़ा सा लेट हो गया आज उठने में, अभी तक सो रहे हैं, मैं इनको उठाती हूँ। और मेरा पूरा रूम एकदम मस्त वाला साफ हो गया है, ये देखिए। वो मैं ना एक टाइल्स का टुकड़ा बचा हुआ था, वो मैं नाली के ऊपर रख देती हूँ ताकि उससे कोई भी छोटा मोटा कीड़ा वीड़ा ना आ पाए, वैसे यहाँ पर आता नहीं है। और ये रहे मेरे हाथ, देखिए कितने गंदे हो गए मेरे हाथ, मेरे नेल्स कितने गंदे हो गए, मैं तसल्ली से साफ करूँगी, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। अब सारा काम मैं कर लूँगी, अभी मुझे यहाँ की पॉलीथिन भी हटानी है, तो एक दिन ये हटाऊँगी मैं। नन्नू को बहुत एक्साइटमेंट है, मम्मा मैं हटाऊँगी, मैंने कहा हटा लेना बेटा, सारे ये जो निशान है ना इस पन्नी हट जाएगी, एकदम नीट एंड क्लीन निकलेगी, तब अच्छी लगेगी। है फैन को कर देते हैं बंद क्योंकि पूरा सूख चुका है आजकल, तो वैसे भी टाइम नहीं लगता है सूखने। टेम्परेरी पर्दे को करते हैं सेट, मेरा टेम्परेरी कर्टन ऐसे लगा हुआ है क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छी फीलिंग नहीं दे रहा मुझे इस तरीके से, मतलब चीज़ें, मतलब भले ही मैं कम में गुजर कर लूँगी वो कर लूँगी, बट सारा कुछ सिस्टमेटिक मुझे अच्छा लगता है। मुझे ऐसे ये क्या बोलूँ, लटके पटके ऐसे गंदे संदे तरीके से मुझे पसंद नहीं है रहना, शुरू से ही नहीं पसंद है। मैं कर्टन ना लगाऊँ वो चलेगा, बट यहाँ पर मजबूरी है लगाना, तो इस वजह से मैंने ऐसे कर रखा है, तो मुझे अच्छी फील नहीं दे रहा है। तो जिस दिन मेरी कर्टन की रॉड आ जाएगी उस दिन मैं अपना कर्टन यहाँ पर सेट कर लूँगी। अब तो ऑलमोस्ट रूम सेट ही हो चुका है पूरा। अपने घर में 2 टाइम ज़रूर स्प्रे करती हूँ, क्लीनिंग के बाद तो मैं करती ही करती हूँ, मेरी आदत है। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ और
इस तरीके से, क्योंकि कपड़ों पे ज्यादा देर तक रहता है फ्रेग्रेंस, हवा में उड़ाओ तो फिर वो जल्दी हवा में उड़ जाता है। मुझे ना दो तीन चीजें ऐसी हैं जिससे बहुत बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो ये है कि एक रूम फ्रेशनर, एक फिनाइल, एक डेटॉल। ये तीन चीजें मेरे ऐसी हैं कि मुझे चाहिए ही चाहिए, मैं इनके बिना अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि सफाई तो होगी, चलो डिटॉल नहीं है तो फिर मुझे ऐसे लगता है जर्म्स रह गए, ऐसी फील आती है। फिर डिटॉल फिनाइल से मैं ज़रूर क्लीनिंग करती हूँ, और अगर मैं पूरी क्लीनिंग के बाद रूम स्प्रे ना करूँ तो सब अधूरा सा लगता है। एक भीनी भीनी खुशबू रह जाती है कमरे में, बहुत अच्छा लगता है, ऐसे लगता है सफाई पूरी हुई। तो मेरी ये आदत है, मैं ये डेली 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 करती ही करती हूँ। मुझे अपने घर में खुशबू बहुत पसंद है, भीनी भीनी सी खुशबू, तो काफ़ी देर तक रहती है। एक बार सुबह एक बार शाम को मैं ऐसे कर देती हूँ। नींद भी बहुत अच्छी आती है, अगर आप रूम स्प्रे डाल करके सोते हो ना तो आपको बहुत अच्छी नींद आती है। तो मैं रात में जो भी क्लीनिंग, जो भी मेरा रूटीन होता है करके, मैं हल्का सा रूम स्प्रे करके तभी मैं सोने जाती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। तो चलिए अब नहा लेते हैं। चलो सारे बोलो राधे राधे, मुझे राधे राधे बोलो। देखो मेरे कन्हैया राधे राधे सुनने के लिए परेशान हो रहे हैं और ये नाव नाव करेंगे। अभी मेरे कन्हैया ने मिश्री खाई है, पानी पिया है और उठ करके थोड़ी देर अच्छी रेस्ट किया है, बैठे थे। अब मेरे कन्हैया बाबू नहाने जा रहे हैं, अभी नाव नाव करेंगे। तो इनका ये रहा जल, मैं इससे नाव नाव कराऊंगी कन्हैया जी को। चलिए नाव नाव करते हैं, फिर इनको कपड़े पहना देते हैं। राधे 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 राधे। अभी मैं बना करके लाई हूँ अपने लिए चाय, और ये वाला जो मिरर है ये इसमें फुल ड्रेस देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है जब आप रेडी होते हो। तो ये वाला जो मिरर है ये थोड़ा सा पास, और इसमें हाफ लुक आता है, पूरा लुक नहीं आता है। बट ये वाला जो है इसमें पूरी ड्रेस देख सकते हैं अच्छे से जब रेडी होंगे। अभी तो कुछ देखने लायक है नहीं, लोअर टी शर्ट है, बट अगर आप अच्छे से रेडी हुए, साड़ी पहनी या कुछ और कुर्ता सूट गाउन कुछ पहना है, तो इसमें अच्छे से नज़र आएगा कि हम कैसे लग रहे हैं। ये वाले मिरर का ये फ़ायदा हो गया है। और अब मैं पीने जा रही हूँ चाय, क्योंकि अगर अभी मैंने चाय नहीं पी तो मैं अभी ढेर रो जाऊँगी और आगे के जो काम करने हैं वो नहीं कर पाऊँगी। आई काफ़ी देर बाद बैठो तो कमर एकदम चटक सी जाती है। लड्डू गोपाल जी को मैंने दूध पिला दिया और टोस्ट खिला दिए हैं, मैं चाय पी लूँ उसके बाद मैं आगे के काम करूँगी। और थकावट चाहे जितनी भी हो जाए, कितने भी हाथ पैर कमर टूट लें, बट वो जो सेटिस्फैक्शन मिलता है ना अपने घर को देख करके नीट एंड क्लीन, उसकी बात ही अलग होती है। उसके आगे थकावट फिर कोई मायने नहीं रखती है। हाथ पैर दर्द होते हैं थोड़े से, थोड़ी देर होते हैं, फिर आराम कर लेते हैं, आराम मिल जाता है। बट जो साफ़ सुथरा घर देखते हैं ना, इतनी तसल्ली, इतना सुकून, इतनी पॉजिटिविटी, इतना सेटिस्फाइड सा फील होता है अंदर से, चैन की सांस आती है इतने साफ सुथरे घर को देख करके। और अपने हाथ से काम करने का मज़ा ही कुछ और है। और मैं विदाउट एनी हेल्प जब से इस घर में शिफ्ट हुई हूँ, विदाउट एनी हेल्प मैं काम कर रही हूँ। और इस वाले घर में मैंने कोई भी अभी तक हाउस हेल्पर भी नहीं लगाई है, क्योंकि छोटू सा घर है। देखिए किसी चीज़ के अगर नुकसान है तो फ़ायदे भी, हालांकि ऐसा कुछ मेज़र नुकसान नहीं यहाँ पर, बट छोटे घर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि थोड़ी सी जगह होती है, फटाफट से साफ़ हो जाता है, फटाफट से मैनेज हो जाता है चीज़ें, और एक्स्ट्रा सामान भी नहीं बहुत सारा बढ़ता ही रहता है। बड़ा घर होता है तो कहीं ये आ जाता है, कहीं वो जाता है, और सारा अबाड़ कबाड़ लबाड़ एक्स्ट्रा सब कुछ हट जाता है, ख़त्म हो जाता है, एकदम दिमाग से सर से बोझ सा ख़त्म हो जाता है। जो काम है वो भी थोड़ा सा कम हो जाता है, बड़े घर को मैनेज करना, साफ़ सफाई करना। और क्योंकि मैं रह चुकी हूँ बड़े घर में, मैं जानती हूँ, इस वजह से मैं बोल रही हूँ। और यहाँ पर मैं फटाफट से, मतलब अभी तो थकावट इसलिए हो रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा काम है और एकदम अकेले कर रही हूँ, अदरवाइज़ फटाफट से काम हो जाता है, मैनेज करना बहुत आसान होता है। ओवरऑल ये है, अभी ऐसा है कि अगर मैं लेट गई ना प्रॉपर तरीके से तो मैं सो जाऊंगी, एकदम ठंडा ठंडा माहौल है, मन कर रहा है चादरा लूँ और सो जाऊँ, बट ऐसा नहीं है। अभी मुझे लड्डू गोपाल जी के लिए कुछ बनाना है, फिलहाल तो उन्हें ऐसे टोस्ट दे दिए थे, बट उनके लिए अभी कुछ बनाना है तो मैं उनके लिए कुछ बनाऊँगी, और वही थोड़ा सा मैं भी खा लूँगी। ये तो ले करके चले गए, आज मैंने इनको ज़्यादा कुछ नहीं दे पाया, सिर्फ पनीर की भुर्जी और पराठे बना दिए थे फटाफट से। पनीर की भुर्जी बहुत चलती है, नन्नू को बहुत पसंद है, इनको बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। तो सोच रही हूँ कि वो ना एक्चुअली कम बनती है, चाहे जितने बताऊँ ऐसे कम कम सी लगती है,
सोच रही हूँ कि मैं अपने लिए भी पनीर एक पैकेट और रखा है, तो क्या पनीर की भुर्जी बना लेती हूँ, थकावट भी हो गई है, लड्डू गोपाल जी भी खा लेंगे और क्या बोलते हैं मैं भी खा लूँगी, ये सही रहेगा। अब कुछ ज़्यादा मैं बवाल में पड़ूंगी, फिर डिनर कुछ अच्छा सा बनाऊँगी, पूछ करके इनसे क्या खाएंगे ये। चलिए बातों बातों में चाय ठंडी हो रही है, मैं चाय पीती हूँ। अभी पता नहीं एक्सपेरिमेंट कैसा हुआ हो, मैंने टमाटर डाले, काट के फटाफट मसाले डाले, क्या करूँ भुर्जी बना लूँ कि कटे हुए डालूँ, समझ नहीं आ रहा है। वैसे ही डाल, वैसे ही डाल देती हूँ, जो होगा सो देखा जाएगा। खाने दो है। क्या पेट में जाके भुर्जी बन जाएगी, ये बस ही है। मैं हमेशा ऐसे ही करके रखती हूँ, बट वो शिफ्टिंग के काम के चक्कर में मैंने कर नहीं पाया, एक डंठल रह गया, उसको हटा देती हूँ। तो मैं जो हरी मिर्च है उसको इस तरीके से स्टोर करके रखती हूँ, स्पेशली गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो मैंने इनको अच्छे से धुल लिया था, दो तीन बार पोंछ करके फिर पंखे में सुखा लिया था, ज़रा सा भी एक बूंद भी पानी नहीं रहना चाहिए। उसके बाद एक थिक सा टिश्यू करके, ज़्यादा पतला ना हो तो करके लपेट करके ऐसे रखती हूँ। और सेम इसी प्रोसेस में हरा धनिया भी रखती हूँ। तो जैसे दो दिन तीन दिन हरी मिर्च चलती है ना, तो ऐसे 10 दिन 15 दिन आराम से जो हरी मिर्च है वो फ्रेश रहती हैं, और बीच में जो टिश्यू है वो मैं चेंज करती रहती हूँ। देखिए कितने प्यार से मेरे जो दोनों बच्चे हैं वो यहाँ पर सो रहे हैं मेरी गोदी में, और ये पल मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खास लगता है, प्यारा लगता है। और मैं बहुत थकी हुई हूँ, बट मैं इनको लेकर के घंटों तक ऐसे बैठे रह सकती हूँ। तो चलिए इसी के साथ करते हैं इस वाले ब्लॉग को एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।